भोजपुरी बिरहा के दर्शक और श्रोता भाइयों, आप लोगों ने बहुत बिरहा सुना, हमने बहुत बिरहा लिखा, हमारे छोटे भाई विजयलाल यादव ने बहुत बिरहा गाया। आप लोग के सामने मैं एक अपनी शिष्या और बहुत ही उम्दा कलाकार जिनका नाम है उजाला यादव, जिला आजमगढ़, उनसे मैंने ये जो उरी कांड हुआ है, हमारे देश पे आतंकवादियों ने हमला किया था, उस पे संबंधित मैंने एक कथानक लिख करके आपके सामने पेश किया हूँ। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप इस बिरहा को और इस बच्ची को आशीर्वाद जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मालूम है, जिस समय हिंदुस्तान गुलाम था, हमारे हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारी अपने जान की बाजी लगा करके और हिंदुस्तान को आजाद किए। हाँ, हिंदुस्तान तो आजाद हुआ, कुछ कारणवश हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। ये तो सच है, बंटवारा होता है तो उसमें विकास होता है। विकास दोनों देश किया, हिंदुस्तान भी किया और पाकिस्तान भी किया, लेकिन अलग अलग ढंग से। हिंदुस्तान विकास क्या किया, पूरे संसार को सॉफ्टवेयर दिया। अब पाकिस्तान विकास क्या किया, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे संसार को आतंकवाद दिया। जो आप लोगों के सामने ये देखने को मिला उरी का घटना, एक फौजी जवान की दर्द क्या होती है बाबू। रिंकू भैया एक गजल का लाइन लगल, काबे में तेरा जलावा काशी में न जा रहा है, वो भी तो प्यारा है।
हुआ मास्टर? फौजी हाँ घिरे रहते बमबारी के दंगे, ते हैं तिरंगे शुरुआत बा। आप लोग कहानी पर गौर करी हैं, कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब? फौज में जाना फौजी हो कि देशभक्ति है, फौज में जाना फौजी हो कि देशभक्ति है, उन्हीं के हाथ में इस इंडिया की कश्ती है। जाड़ा गर्मी वा बरसात जो भी झेल रहे, थाम बंदूक को जो खूनी होली खेल रहे। जौनपुर भकुरा गांव का जज्बा राजेश दिया, जिंदगी दे के जो वतन को तोहफा पेश किया। मौज से फौज में भर्ती हुआ सितारा था, उम्र थी 20 वर्ष नौजवान लड़कारा था। बहादुर कश्क वर्दी बेल्ट कमर बांध चला, टांग बंदूक कंधे पर हसीन तान चला। ए बाबू, जौनपुर जिला में एक गांव पड़ेला, जो उन्हें गांव का नाम बा भकुरा। भकुरा के रहे वाला राजेश सिंह अबहिन तो बचपना बा, लेकिन मन में बड़ा उमंग बा फौजी जवान बनबे, देश के सेवा करबे। लेकिन हे बाबू, कई बार गइलन भर्ती में, वापस आ गइलन, बड़ा नर्वस भइलन। लेकिन हम बताइला कि परिश्रम करे वाला इंसान कबो पीछे ना जा सकेला। बारे हिंदुस्तान के जवान राजेश जब भर्ती के लाइन में खड़ा भइलन बाबू, फौज में भर्ती हो गइलन, ट्रेनिंग पर गइलन, और ट्रेनिंग से लौट के जब घरे अइलन, दोबारा सीमा पे बोलावा आइल बा। बारे हमरे हिंदुस्तान का रीत रिवाज, हमरे हिंदुस्तान का नारी लोग घर से अगर भाई बेटा के विदा करलिन तो कौने रूप में विदा करली मास्टर? एक ठे भोजपुरी फिल्म का गीत लगल बा, जो उन्हें फिल्म का नाम बनी रहुआ हिंदुस्तानी। हमरे गुरुजी प्यारे लाल कवि जी एक लाइन कंपोज करके गीत लिखलन। कौन गीत बा मास्टर? जहिया से डेग तो हर घरावा में पड़ गई, लाखों में एक पौले बानी ए जी बहु रानी,
माई बेटवा के विदा करत बड़ी कौने रूप में मास्टर। माई चटावे दाई फूल की कटोरिया में, तिरिया उतारे अरती दिया बारी थरिया में, टीका लगावली दुलहिया सिपहिया राजा, कहल गइल बा मेहरारू जेब देखली लेकिन माई का देखली मास्टर। खैला पियला पे बेटा ध्यान तू लगैया हो, टाइम टाइम से घरे फोन करत रहिया हो, तेरी हाजन घरवा से नी गहिया सिपहिया राजा, ए बाबू माई कली की बेटा बहुत खुशी का बात बा कि सीमा पर जात बड़ा देश के सेवा करे बदे। हाँ एक माई हम तो एक माई धरती माई, फर्ज बा हर बेटन का फर्ज होला, वह भाग्यशाली होला जे देश के सेवा करे। लेकिन बेटा सेवा करबा लेकिन खाए पिए पर ध्यान जरूर दिया। ए बाबू लोग जैसे रोड पे जाए के खड़ा भइलन तब ले बस आ गई, और जब बस आई तब का भल मास्टर एक लाइन गीत लगल बा। ए गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु गावे, गुरु जी तो अपने अंदाज में गावे लेकिन ये हमार अंदाज बा। एक पत्ती बढ़ जा मास्टर। कि कोरी का तारिया सासु दहिया जमावली, कि कोरी का तारिया सासु दहिया जमावली, आमरी त डालली जोरनवा राधा हो कादमान मोहे, कि हथवा हिला के बसिया पे चढ़ी गाइले, कि हथवा हिला के बसिया पे चढ़ी गाइले, जौनपुर से धैल रे लगड़िया फौजी हो गैल कलकत्ता की हो, देश सेवा करत बारह साल बीती गाइल, अब बॉर्डर पे बोलावा बीस दिन पहले आइल, सरहद ऊपर करेला बम्बरिया फौजी हो खुश के पापी पाकिस्तान, राजेश का ड्यूटी पश्चिम बंगाल में लगल बा,
राजेश अपने ड्यूटी पर तैनात, तबले कर्नल साहब का फोन पहुंचल। हाँ, फोन के घंटी बाजल बा। राजेश फोन रिसीव कैलन, पहला वर्ड बोलन, हाँ जय हिंद सर, क्या बात है सर? राजेश सुन लीजिए मेरी बात को, यहाँ कुछ आतंकवादी जो हमला करने वाले हैं। एक काम करिए, जिस भी रूप में आप हो, आप वहां से गाड़ी पकड़ लीजिए और कश्मीर बॉर्डर पर आ जाइए। ए बाबू, हिंदुस्तान का जवान राजेश जब चलन तो एक बार घर का याद आई बा, तो कैलन का मास्टर कि जाता है और जब जुली के फोन कैल आ घरे आवा पापा जबरी संत जी कैल जिद कैल पापा महातरिया फौजी हो जावा घरवा पचावा मोर बाबू। राजेश जब सीमा के तरफ चलन हो, याद आइल परिवार के, फोन लगा दलन, जूली दुलहिन जब फोन के रिसीव कैलिन, हाँ हेलो, फौजी जवान राजेश बोलन कि देखी ना, हम तो जात बनी कश्मीर से बुलावा आइल बा, बॉर्डर पर कुछ हमला बा, साहब का बुलावा आइल बा। दुलहिन का कलेजा धक से कैले से बाबू, ए जी सुनी ना, आई एक दिन घरे बिता को करे बात, फिर जाई ना बॉर्डर पर। दुलहिन जूली सोचलिन कि हमरे कहले पर ना सुनत बड़न, ते काम करी रिसंत बेटा के फोन दे दी। रिसंत कलश की पापा घरे ना आई बा? हाँ बेटा आई, तो के टाफी बिस्कुट लेके आई बेटा। इतने में बाबू फोन कट गई बा, तबले भइल का मास्टर साहब एक लाइन गीत लगल बा। जवन मजयाम की चटनिया, जवन मजयाम की चटनिया, तवन सोवा धनिया में नाही, फौजी जवान राजेश सोचत का बड़न मास्टर, देसावा निहारी की दुलहिया, देसावा निहारी की दुलहिया, सोचेला सिपाहिया बेचारा। घरे महतारी जिनसे जन्म का नाता, सीमा पर बुलावा आज हमके भारत माता की, सोचेला सिपाहिया बेचारा। घरवा निहारी की तबाहिया, सोचला सिपाहिया बेचारा। ए बाबू, फौजी जवान राजेश सोचे लगलन, अगर अपने दुलहिन के सिंदूर बचाई तो हर सीमा पर हजारों दुल्हन का सिंदूर उजड़ जाइए। इतना ही नहीं, माई के बारे में सोचलन,
अगर यार बुढ़िया माई जे जन्म देले बा उन्हों का फर्ज बा, अगर ये बुढ़िया माई के याद में घरे जाई तहाई धरती माई जे अन्न उगावत बा जेके जन जन खात बा तई हमार धरती माई धर्म संकट में पड़ जाई हन। ए बाबू फौजी जवान इतनी बात सोच के और का सोचलन, जौन एक अजीब सा सोच बा, कौन सोच बा मास्टर? देशवा के माटी के हाथ सबसे बड़ा का राजा, होला परिवार से वतन के ऊंचा राजा की सोचला सिपाहिया बेचारा, फेर लिहल घरवा से निगाहिया सोचला सिपाहिया बेचारा, फौजी जवान सोच गेले कि ना परिवार एक तरफ आपन हिंदुस्तान एक तरफ, अगर हिंदुस्तान सुरक्षित रही तो अपने आप परिवार और घर हमार सुरक्षित रही। फौजी जवान घर से मुख मोड़ के कश्मीर प्रांत के उरी क्षेत्र में पहुंचलन तो वहां का माहौल का रहल, एक लाइन गीत लगल बा, गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, नहीं के सजावा कैसी लवटिया, पिसा याना मसाला ना, भरल बादल से पूरा अंबार, भरल बादल से पूरा अंबार, फौजी सुतला ताने के कंबार, रहल अठारह सितंबर जागे के टाइम भइल साढ़े पांच बजे की बेला, घुस पार्टी सब बैठ के पपिया कोइला खूनी खेला, पपिया रहला यौवल नंबर, खून से रंगला पूरा चंबर, रहल अठारह सितंबर ना, खिया मीजा जागे जवानामा झट से लाइट बरल, कोटी पर से टंगल टंगल यापन बंदूक उतरल, मरल कई दुश्मन के गोलिया, गिरता बंद भइल बा बोलिया, रहल अठारह सितंबर ना, हिंदुस्तान के शेर जवान सूतल बड़न। अब जैसे कतैसे सूतल जवान कोई के कुछ मालूम नहीं खे भैया, तबले पपिया घात लगावत रहलन, जवान उठ के कोई अपन हथियार उठौले बा, कोई बेल्ट लगावा था, कोई वर्दी पहना था,
तब तक घुसपैठी पापी आतंक मचा दलन। यौने में हमरे हिंदुस्तान के शेर बहादुर राजेश का कैलन मास्टर और दुश्मन का मुखड़ा काला पड़ गया। बारा घेर घेर के शेर जौनपुर वाला सोए शेर पर वार करे तो सोए शेर पर वार करे तो चूहा कोई दिलेर नहीं। मालिक के घर में देर भले है लेकिन तो अंधेर नहीं। हिंदुस्तानी फौज ने उन कुत्तों का छक्का छुड़ा दिया। एक घुसपैठी राजेश के सीने में लांचर घुमा दिया। ए बाबू तबले पपियावा सो कैलन का सरंगा गीत लगल मास्टर हमरे बाबू जी के बड़ा पसंद करेलन। लंचर के सारा गोलिया पपिया बरसाई दिहलन पपिया बरसाई दिहलन दहिया गाई ला बाचे दाये हो। तनले बंदुकिया टोपिया सिर पे लगवले रहलन सिर पे लगवले रहलन गिर गईले भुइया भाराय हो। एक बेर तस्वीर ना चाल आँख में दुलही आके आँख में दुलही आके बचवारी शांत खेलत पाय हो। भैले शहीद बिरवाय अठारह तारीखिया के अठारह तारीखिया के उन्नीस के गैली लसिया हो। बाबू तमाम लोग सीमा पर शहीद भैलन हो लेकिन बारे दुनिया के मालिक एक अजीब सा घटना देखे के मिलल। राजेश कलाश ऐसन क्षतिग्रस्त हो गईल रहल खे बाबू का हम गाई का आप लोगन के सुनाई कैसे मास्टर एक लाइन गीत लगल। अंग अंग छिटाइल रहे लस छिताराइल रहे अंग अंग छिटाइल रहे लस छिताराइल रहे ताबूत में आइल बाटोर हो। कतही टांगरिया रहल कतही ठाटारिया हो कतही टांगरिया रहल कतही ठाटारिया हो कतही या नूरिया के पोर हो। दर्श कर पवल लोग खाली पाटल देहिया के दूल्हा शहीद भैल चूल दुलहिनिया के मंगिया धोवाई गैली करिखा दराई गैली मंगिया धोवाई गैली करिखा दराई गैली हथवा के चुड़िया गैली फोर Thank you.
हे बाबू, आज देखल जाए एक सुहागन के सिंगार लोग उतारत बाहो, हाथ के कलाई के चूड़ी फूटत नहीं रहल, लोग दीवाल में जबरदस्ती लड़ा लड़ा के कलाई के चूड़ी फोरत हमें, मांग के ताजा ताजा सिंदूर हाथ से रगड़ लगड़ के लोग धोत है। ए बाबू, जो उन्हें दृश्य के देख के कलेजा कांप उठल। ए बाबू, लाश पे बाबूजी अररा के गिर गइलन हो, एक ही वर्ड मुंह से निकलल, का रे बेटा, हाय रे लाल, बुढ़ाई में कमर तोड़ दले रे बेटा, आज जौन काम तोके करे के चाही लाल, ए बुढ़वा बाप से करा लले रे बेटा, बाप के कंधा देख के बेटा, बाप के कंधा देख के बेटा आसमशान पहुंचावेला, बेटा के कंधा बाप दे ही ना बात समझ में आवेला। ए भैया, तबले माई अलिन हो, अररा के गिरलिन बेहोश हो गईली, लोग पानी छिड़कल होश में अलिन, यह बात कहली बाबू, जन्म में तुहरे सोहर सुनली। हे लाल, एक बार बोल दे रे बेटा, जन्म में तुहरे सोहर सुनली, ब्याह में मंगल चार भइल, एक बुढ़िया माई के ऊपर ई कैसन समय के मार भइल, खाए भगवान। ए भैया, रिसंत बाग में खेलत रहलन, कोई जाके बतौलस कि तुहर पापा आ गइलन, रिसंत भागल भागल अइलन, मालूम ना बा कि पापा कहाँ बड़न, लेकिन बोलत बा वही ताबूत में सोचलन कि बाबू हमार छिप के आइल हो। बेटा बोलत बड़ा कौने भाव में, सूतल बाड़ा केतना सुतबा, हे पापा, सूतल बाड़ा केतना सुतबा, पापा कुछ अहू बोला ना, कहवा बिस्कुट चिप्स के धैला, उठा बेग तू खोला ना। बाप रे बाप, ए दृश्य के देख के, ए आवाज के सुन के, सेना के नायक कहलन, सेना नायक कहा मिलिट्री, सेना नायक कहा मिलिट्री, सब सुविधा दिलवाएगी, सरकारी सुविधा भी मुहैया गवर्नमेंट करवाएगी। हे बाबू, सेना के नायक लोग कहलन कि देखिए आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग हैं, जो सुविधा है हम लोग जरूर दिलवाएंगे। लेकिन हे भैया, जूली दुल्हन उठ के कहली, ए साहब, का देबा, जौन मांगत बाड़ी तवन दा साहब, का कहली मास्टर, दानवा ना खजनवा चाही, रुपया ना गहनवा चाही, मांगी हिंदुस्तानवा से हम क्या मोर सजनवा चाही, सुखते जले रवली, सीमावा पौरी में हम सेनुरा के भेजले रवली, मंगिया कर तनवा चाही, नाही घर मकनवा चाही, देवल सपरे जदिता हमहु के कपनवा चाही, विधवा हर बहिनियन के सनुरक निसनवा चाही, बाबू
दुलैन मांगत बनी की साहब का सरकारी सुविधा से एक विधवा अपने मांग में सिंदूर पहन सकेले, एक सुहागन के जिंदगी जी सकेले। ना साहब, हमके धन दौलत रुपया पैसा ना चाहिए। चाही का हमरे अगर कुछ देवल चाहत हो तो हमरे मांग का सिंदूर दे दे साहब। बाप रे बाप, जितना फौजी जवान रहलन ए बाबू सबकर कलेजा कांप उठल। बारे हिंदुस्तान के शेर जवान ई बात दिल में सालत बा, हमरे हिंदुस्तान का जवान आग बबूला भइलन, कैलन का मास्टर पहापट कलाइन बा। हिंद के कोना कोना भले लिख जाए शहीद विधवन के, तब बोना से नूर के याद बुझाई शहीद विधवन के। घरवा फोन लगावल रहल हो, कट गईल बा फनावा दिल के बतिया आधा कैल हो। अरे जवल नया टंकी शिविर फुकाई शहीद विधवन के, तबल नया खिया के या सुखाई शहीद विधवन के। बाद जवानन के सीना में आग नियर बरे लगल। हिंदुस्तान के शेर जवान जब सीमा पर गईलन एक विचार बलौलन, हिंदुस्तान के जवान मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के दलन। अरे पाकिस्तानियों संभल जाइए, याद कर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारे हिंदुस्तान के लोग पैसा दिए तो तुम्हारे सर पर तिरपाल हुई। आज मैं एक कलाकार होने के नाते कह रही हूं कि अगर हिंदुस्तान के लोग सिर्फ पानी रोक ले तो तू प्यासन मर जाएगा। हिंदुस्तान के फौजी जवान एकता संगठन बना के कैलन का मास्टर, जाग जहिया जाई हमर दसवा भैया, पता नहीं चाली कहां गायल पाकिस्तान। पूछे पे सकार नहीं कर ले जवान, डेढ़ सौ कमांडो घुस के सीमावा के भीतर भैया, आतंकवादी अन के ले ही लिहल जान, और फेर लिहल वीर हमा टाटा के बदलवा भैया।
हवा पे हाथ धई के रोवे पाकिस्तान। ए बाबू ओ पापियन के हमारे हिंदुस्तान के शेर जवान हिंदुस्तान के पार के पाकिस्तान सीमा में जाके 38 आतंकवादी के भूंड के हिंदुस्तान वापस लौटीलन। ए बाबू आप लोगन का ध्यान सीमा से लेके हम जौनपुर गांव में पहुंचे थे राजेश के घरे। राजेश के घरे कोहराम मचल बा। राजेश के दुल्हिन जूली का एक सपना रहल। सपना कर रहल बाबू बेटा के अपने हम फौज हो बनैबे भैया। आज जेकर लूट गायल दुनिया जहान साढ़े 11 बजे रात गोमती किनरवा भैया। राज घाट पर राजेश अग्निदान यूपी के सीएम अखिलेश सदर्द सुनल भैया। लाख रुपया दिए है अनुदान ए बाबू जूली का सपना सपना रह गई हो। फौजी सैया राजेश का फोटो लेके अलिन। वो फोटो के देख के सवाल कैलिन का हो रिसंत के पापा का दे गईला कौने जन्म को चूक रहल कि आज हमके विधवा बना गईला। तो के मालूम बा हमर काका छीन लला। लेकिन पूछत बनी वो फोटो से ए जन्म में देवा कि अगले जन्म में के पूरा करबा। कैसे पूछत ही मास्टर चाहकत खिलकत चारा के सुघराई ले गईला हमारे मांग क्या सनुरवा के ललाई ले गईला। हमारे अखिया के सोझा अल्लाह सनियन दहिया के ढोवाई कबल बोझा। अरे आँख के रोशनी मुँह के मुस्कराई ले गईला हमारे मांग क्या सनुरवा के ललाई ले गईला। पिछले जन्म के हमारा राल कौनो चूक हो यही से विधाता हमके दयालय संदूक हो। अरे रिसंत के
अरे रिसंट के तू कागज कलम पढ़ाई ले गईला, हमारे मांग क्या सनुरावा के ललाई ले गईला। हम गायिका उजाला यादव पूरे हिंदुस्तान के शहीद विधवा नारी लोगन से हाथ जोड़ के एक निवेदन करत बानी कि कोई बिरहा गा के आप लोगन के खुशी ना दे सकेला, कोई धन रुपया पैसा दे के आप लोगन के मांग में सिंदूर ना सजा सकेला, लेकिन गर्ष होके के चाहिए। मरे के तो सब के बा, कोई ट्रेन से कट के मर जाता, कोई जहर खा के मर जाता, लेकिन बारे हिंदुस्तान के शेर जवान जे देश के काम आई, अगर इतिहास लिखाई तो हिंदुस्तान के जवानन का नाम वो इतिहास के पन्ना पर लिखाई। लेकिन बारे फौजी जवान घरे एक बगिया लगा के गईलन, जौने बगिया के सिंचाई करब हमरे विधवा बहिन लोगन से निवेदन बाकी, आप लोग बगिया के सिंचाई जरूर करियन, तनिक से नर्वस मत होइन। आखिरी भाव बा मास्टर, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गमगीन रामदेव चंद्रिका कवि अब गयल सितारा छीन, अरे दुश्मन का मुखड़ा काला पड़ गया उजाला प्यार ला।